तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में लगभग एग्जाम चल रहे थे, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम सभी के लगभग एग्जाम चल रहे थे और कुछ लोगों के एग्जाम समाप्त भी हो चुके हैं, कुछ लोगों के एग्जाम बीच में कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं। तो उन लोगों का जो भी एग्ज़ाम था, यानी कि अब से लेकर इस डेट से लेकर आज जो भी डेट है, ठीक है, जिस भी डेट में आप लोगों की वीडियो पहुँच रही है 18 तारीख से लेकर, ठीक है, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं ये आगे की डेट में बढ़ा दिए गए हैं, तो सारी भी यूनिवर्सिटी के डेट आगे बढ़ा दिए गए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि कब तक डेट बढ़ा दी गई, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये जानकारी सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ आरएमएलयू अवध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके कि एक्चुअली में कितने डेट तक एग्ज़ाम पोस्टपेंडेड किए गए हैं, ठीक है, यानी कितने डेट तक एग्ज़ाम बढ़ाए गए हैं, कब से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो हम वो आपको दिखा देते हैं, हम ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, ठीक है। जितनी भी यूपी की यूनिवर्सिटी हैं सबकी ऑफिशियल साइट पे ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो आप प्लीज़ जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं प्लीज़ विज़िट ज़रूर करिएगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं निर्देश पे, ठीक है, नोटिस पे आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे भी, नोटिस दिखा रहे हैं हम आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, नोटिस में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऊपर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, चाहे ऊपर पे क्लिक करिए चाहे नीचे पे, दोनों पे दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऊपर पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 19/3/2020 से 2/4/2020 तक, यानी कि 19 मार्च से 2 अप्रैल तक की जितने भी एग्ज़ाम के डेट थी वो सारी जो भी एग्ज़ाम होने थे इन डेट के बीच में वो आगे कर दिए गए हैं। वो आगे कब कर दिए गए हैं इसकी अभी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 19 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है, परीक्षा स्थगित कर दी गई है, ठीक है। तो जैसे भी नई टाइम टेबल आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अदर भी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की भी साइट पे ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए। और भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं तो मैं इस वीडियो में सारी यूनिवर्सिटी की तो ओपन नहीं कर सकता, आप भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं उन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए थोड़ा ऊपर और इस पर क्लिक कर दीजिए ऑर्डर रिकॉर्डिंग पोस्ट, आगे ओपन हो जाएगी इसमें भी पीडीएफ और यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भी 18/3 से इसमें स्टार्ट, यानी कि 18 से और 2 अप्रैल के बीच के जितने भी एग्ज़ाम थे वो स्थगित कर दिए गए, यानी कि डेट आगे बढ़ा दी गई है। रीज़न आप लोगों को पता है किस लिए बढ़ा दी गई है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा और जैसे भी नई टाइम टेबल आएगी मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जिन भी यूनिवर्सिटी का मैंने नहीं बताया है तो प्लीज़ आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो उस पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको लगभग यही डेट मिल जाएगी कि 18 या 19 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक की जितनी भी परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं, ओके। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे भी उनको भी इन्फॉर्मेशन मालूम हो सके, ठीक है। तो आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, तो आप हमें बेशक पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे ये होगा कि जब भी कोई नई टाइम टेबल आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।